सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि वो सैमसंग का गैलेक्सी M31 खरीदें या फिर सैमसंग का गैलेक्सी F41 खरीदें। दोस्तों ये दोनों ही फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन सेल के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो M31 है वो आपको अमेजन सेल के अंदर देखने को मिलेगा और जो F41 है वो आपको फ्लिपकार्ट सेल पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि वो कौन सा फ़ोन खरीदें इन दोनों फ़ोनों में से। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ, आपको अच्छे से बताऊँगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि वो इनमें से कौन सा फ़ोन खरीदें जिससे उनके पैसे अच्छे फ़ोन में इन्वेस्ट हो सकें। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों फ़ोन के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि किस फ़ोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इन दोनों फ़ोनों के बारे में डिटेल में समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दोनों फ़ोन के कंपेयर में बताता हूँ। दोस्तों M31 की बात करें तो ये फ़ोन आपको अमेजन सेल के अंदर देखने को मिल जाएगा जिसकी जो 6GB 64GB वाली वेरियंट की प्राइस है वो है दोस्तों 15,500 रुपये। और दोस्तों F41 आपको फ्लिपकार्ट सेल में देखने को मिल जाएगा जिसकी जो दोस्तों 6GB और 64GB वाली वेरियंट की प्राइस है 15,500 रुपये। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन की प्राइस सेम है, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही फ़ोन आपको अलग अलग साइट पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों फ़ोनों में क्या क्या अलग है और दोस्तों क्या क्या सेम है। दोस्तों अगर दोनों फ़ोनों की डिस्प्ले की बात की जाए तो इन दोनों में दोस्तों हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि दोस्तों पोलेटी डिस्प्ले है। अगर दोस्तों इनकी बॉडी की बात करें तो इसमें दोस्तों हमें बैक पैनल में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है दोनों ही फ़ोन में, और दोस्तों दोनों ही फ़ोन के अंदर हमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों इन दोनों फ़ोन के अंदर हमें ट्रिपल कार्ड सेलेक्ट देखने को मिलता है जिसमें आप 2 SIM और अपना मेमोरी कार्ड अलग से लगा सकते हो। दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इन दोनों फ़ोन के अंदर हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जिसमें आप अपने फ़ोन को 2 दिन तक आसानी से चला सकते हो। दोस्तों बैटरी भी दोनों फ़ोन में सेम है, डिस्प्ले दोस्तों सेम है, बैक पैनल भी दोस्तों सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के कैमराज की। दोस्तों M31 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों मेन कैमरा 64MP का है, 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP। दोस्तों इसमें आपको 3 कैमरा देखने को मिलते हैं बैक साइड में, और दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा 32MP का है। अब दोस्तों बात करते हैं F41 की, तो इसमें हमें दोस्तों एक सेंसर अलग से देखने को मिलता है जो दोस्तों माइक्रो कैमरा जो कि दोस्तों आपको 2MP देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इसमें 3 कैमरा हैं दोस्तों सेम M31 जैसे हैं, यानी कि 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP। दोस्तों इस फ़ोन में F41 में हमें सिर्फ एक अलग से कैमरा देखने को मिलता है जो दोस्तों 2MP का माइक्रो कैमरा, जिसका दोस्तों ज़्यादा खास यूज नहीं होता। अगर आपको माइक्रो शॉट ज़्यादा लेना अच्छा लगता है तब आपके दोस्तों ये फ़ोन अच्छा रहेगा, लेकिन इसका जो 2MP का माइक्रो कैमरा है वो दोस्तों इतना खास नहीं है, क्योंकि अगर 5MP का होता फिर भी दोस्तों काम आता है, लेकिन 2MP ज़्यादा वर्क नहीं करता। दोस्तों कैमरा के मामले में भी दोनों फ़ोन सेम ही हैं, क्योंकि सिर्फ एक कैमरा अलग से दिया गया है जिसको दोस्तों सिर्फ आप शो ऑफ कर सकते हो, उसका जो मेन काम है वो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों सिर्फ शो ऑफ के लिए इसमें 4 कैमरे दिए गए हैं, बाकी कैमरा क्वालिटी दोनों फ़ोन की सेम है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर की जो आपको F41 में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें एक सिंगल टेक का सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें आपको दोस्तों एक क्लिक करोगे तो उसमें कई तरह के फ़ोटो अलग से खिंचे जाते हैं और 2 दिन दोस्तों वीडियो क्लिप भी बन जाती हैं। दोस्तों एक नया फीचर जो आपको F41 देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इन दोनों फ़ोन का कैमरा सेम है, क्योंकि दोस्तों F41 में आपको 32MP कैमरा देखने को मिलता है सेल्फी कैमरा, यानी दोस्तों इन दोनों फ़ोन के जो कैमरा है वो भी दोस्तों सेम ही मिलते हैं आपको। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर की। दोस्तों इन दोनों के अंदर आपको Exynos का 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो दोस्तों सैमसंग अपने काफ़ी फ़ोनों में देता आया है। दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में हमें कुछ भी अलग से देखने को मिलता है जो कि दोस्तों कुछ अलग हो या फिर कुछ नया हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सैमसंग ने काफ़ी अच्छा गेम खेला है वो मैं आपको अब बताता हूँ। दोस्तों सैमसंग ने क्या किया, अपना M31 फ़ोन उठाया और उसका जो बैक पैनल है वो थोड़ा चेंज किया, उसमें से एक कैमरा हटाया, उसमें दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाले 1-2, और उसका नया नाम रखकर F41 फ्लिपकार्ट पर दोस्तों सेल कर दिया, यानी फ्लिपकार्ट से डील कर ली और उसको फ्लिपकार्ट पर सेल में निकाल दिया। तो दोस्तों सैमसंग ने ऐसा क्यों किया वो आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें एक ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जो कि दोस्तों नया लॉन्च हुआ हो और उसकी प्राइस अच्छी हो, पुराना फ़ोन आपको सेल में अच्छा मिल रहा है, भले ही अच्छी कीमत में मिल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें उन लोगों को ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जो कि दोस्तों नया लॉन्च हुआ हो, क्योंकि दोस्तों
पुराने फ़ोन के फीचर होते हैं उन लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है इस चीज़ से कि ये फ़ोन अभी लॉन्च हुआ या पहले लॉन्च हुआ था। दोस्तों उसने सैमसंग ने क्या किया कि अमेजन पर M31 उसका पहले से बिक रहा था जो दोस्तों समथिंग 8-9 महीने पहले आया था। दोस्तों उसने क्या किया वही फ़ोन थोड़ा चेंज करके उसने फ्लिपकार्ट से डील करके उसको नाम चेंज करके फ्लिपकार्ट पर दे दिया। दोस्तों उसने ऐसा इसलिए किया कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्लिपकार्ट का सामान अच्छा लगता है, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना पसंद आता है, और काफ़ी लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें अमेजन पर ज़्यादा भरोसा है। तो जिन लोगों को दोस्तों अमेजन पर भरोसा है वो M31 खरीदेंगे, और दोस्तों जिन लोगों को फ्लिपकार्ट पर भरोसा है वो F41 खरीदेंगे। दोस्तों इस तरीके से सैमसंग अपने दोनों फ़ोनों को सेल कर सकता है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग ने अपने एक ही फ़ोन को दो जगह चुपका दिया, जिससे दोस्तों उसका डबल फ़ायदा है कि अगर कोई M31 खरीदेगा फिर भी दोस्तों उसका वही फ़ोन बिकेगा जो उसने F41 बनाकर मार्केट में उतारा है। दोस्तों ये इन दोनों फ़ोनों में आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको नया नाम मिलता है और नई बॉडी देखने को मिलती है, तो थोड़े बहुत चेंजेस, बाकी दोस्तों जो भी अंदर का सामान है, जो मटेरियल होता है वो दोस्तों सब सेम है, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा और जो प्रोसेसर दोस्तों सब सेम है आपका, कुछ भी अलग नहीं है। दोस्तों अब मैं आपसे बताता हूँ आपको कौन सा खरीदना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि आपको इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास HDFC बैंक कार्ड है तो आपको M31 खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमेजन पर अच्छी सेल चल रही है जिसमें आपको HDFC बैंक के ऊपर 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपके पास SBI कार्ड है तो आपको F41 खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट पर SBI कार्ड के ऊपर सेल चल रही है, SBI कार्ड के ऊपर दोस्तों अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपके पास अगर जो भी कार्ड है आप उस हिसाब से इनमें से कोई सा फ़ोन खरीद सकते हो, दोनों फ़ोन दोस्तों सेम है। और अगर दोस्तों आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए दोस्तों जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिले, तो दोस्तों आप F41 खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये नया लॉन्च हुआ है इसमें आपको M31 से ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो अंदर मटेरियल है वो दोस्तों सब सेम है, इसका जो प्रोसेसर, बैटरी वगैरह सब सेम है, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको F41 नहीं मिल पा रहा तो आपको M31 देना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आप M31 भी खरीद सकते हो, दोनों दोस्तों फ़ोन सेम है। और दोस्तों अगर आपके पास M31 पहले से है तो आप F41 खरीदने की कोई भी गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता जिसकी वजह से आप अपना फ़ोन अपडेट कर सको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।